तुम विद्यार्थियों धोरण 5 विषय हिंदी। तो आज हम हिंदी विषय में चैप्टर 16 यानी कि पार्ट 16 पहेलिया के बारे में सीखेंगे। तो इस पहेलियों से विद्यार्थियों की जो होती है याद शक्ति, मानसिक विकास होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्याओं के प्रश्नों के स्वरूप में होती है। कैसी होती है पहेलियाँ? प्रश्नों के स्वरूप में होती है, उसे हमें सुलझानी है कि उन्हें समझना पड़ता है और बड़ा रसप्रद होता है ये पहेलियाँ। जो पहेलियाँ हमारे विचार करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाती है, इसीलिए हमारे ज्ञान में वृद्धि भी करती है और हमारा मानसिक विकास होता है। इसीलिए पहेलियों से हमारे जो बुद्धि है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। पहेलियाँ बुझाना एक दिलचस्प व्यायाम है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। पाठ्यपुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर हमें इस चित्र से मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहेली, आपके पास बुक हो तो निकालिए विद्यार्थी मित्रों, 106 यानी कि 106 पेज नंबर पर यहाँ पे पार्ट 16 पहेलियाँ दी गई हैं। तो आज हम इस पहेलियों को सुलझाएंगे, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पहेली है, गोल गोल घर है मेरा। क्या है? गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, यानी कि गोल गोल घर है, हर कमरे में रस है। जितने कमरे हैं घर में सब में क्या है? रस है। जो ही मुंह में रखोगे तो हो जाओगे मस्त। जो ही मुंह में रखोगे तो हो जाओगे मस्त। तो क्या आएगा? गोल गोल घर छे मारो, गोल गोल घर है मेरा, इतने के गोल गोल घर छे मारो, हर कमरे में रस, इतने के बद्धा रूम में रस छे। जो ही मुंह में रखोगे, इतने के ज्या मोड़ा में मुक्सो, हो जाओगे मस्त, इतने के मस्त थई जसो। बोलो कौन आएगा? खुशी, जलेबी। वेरी गुड, जलेबी का नाम आया सबके मुंह में, क्या आ गया? पानी पानी। जलेबी सबको अच्छी लगती है ना? गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त मस्त। जलेबी सबको भाती है। अभी वो मकर संक्रांति का त्योहार गया, सब लोगों ने, आप लोगों ने जलेबी खाई होगी, खाई ना? कितनी मस्त मस्त होती हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पहेली है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। आसमान का क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों? शब्दार्थ कमरा। सबसे पहले तो कमरा का अर्थ क्या होता है? कक्ष। हिंदी में कमरा का अर्थ क्या होता है? कक्ष। उसके बाद है यहाँ पे धरती, धरती यानी कि पृथ्वी। धरती का अर्थ है पृथ्वी, आसमान, आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। शीश का अर्थ है शीश।
शिष्का अर्थ है मस्तक, सिर भी होता है, शिष्का अर्थ है मस्तक भी होता है और सिर भी होता है। तो धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में मैं शीश उठाता, पिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। यानी कि धरती में मैं पैर छुपाता, एटले के पैर यानी कि पग, धरती में जमीन में हूँ मारा पग छुपाऊ छू। शू कहे छे के धरती में हूँ मारा पग छुपाऊ छू। आसमान में सिर उठाता, आसमान यानी कि आकाश, सिर यानी शीश यानी कि सिर माथु, એટલે કે આકાશ માં હું મારું માથું ઊંચું કરું છું। ટિકતા હું ઉપર ચાલ નહીં પાતા, એટલે કે એક જગ્યા જ હું રહું છું પણ ચાલી શકતું નથી, એક જગ્યા હું રહું છું પણ ચાલી શકતું નથી। પેરો સે હી ભોજન ખાતા હું, એટલે કે પગથી જ હું મારું ભોજન કરું છું। શું કહે છે? પેરો સે હી ભોજન ખાતા, એટલે કે પગથી હું ભોજન કરું છું। બોલો કોણ આવશે? બોલ, પેડ। વેરી ગુડ। ધરતી મે મે પેર છિપાતા, યાની કે પેડ કે જો મૂળ જડમૂળ હોતે હો કહાં પે હોતે હે જમીન કે અંદર। આસમાન મે શેર ઉઠાતા, યાની કે આસમાન તક લંબા પેડ બડા હોતા હે ના, इसीलिए यहाँ पे लिखा है आसमान में शीश उठाता, यानी कि जो अपना सिर मस्तक है वो आसमान आकाश में उठाता हूँ। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, इतले के एक जगह पर ज हूँ टकू छू पर चाली सकतू नथी। पैरों से ही भोजन खाता, इतले के पगथी हूँ मारू भोजन करू છું, એટલે કે તમે જે જમો છો આપણે હાથથી કહીએ છીએ ને, ત્યારે પેટ શેનાથી ખાય છે? આપણે પેટને પાણી પીવડાવીએ, મૂળને જ નાખીએ છીએ ને, તો એ પાણી જમીનમાંથી જ એને બધું મળે છે ને, ત્યારે જે પેટ બહાર નીકળે એટલે એના પગમાં, પગથી ભોજન કરે છે। શું થયું? પગથી ભોજન કરે છે, તો શું આવે? વૃક્ષ। વૃક્ષ યાની પેટ, હિન્દીમાં ક્યા કહા જાતા હૈ? પેટ। तो यहाँ पे इस पहेली का जवाब यही आएगा, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में मैं शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता, यानी कि पेड़। उसके बाद तीसरी पहेली है, तीन अक्षर का मेरा नाम, तीन अक्षर का मेरा नाम, इतने के मारू नाम त्रण अक्षर नु छे। शू छे? મારું નામ ત્રણ અક્ષરનું છે। સિર કે ઉપર મેરા સ્થાન, એટલે કે માથાની ઉપર મારું સ્થાન છે, સ્થાન યાની કે જગ્યા, સિર કે ઉપર મેરા સ્થાન હે। અંત કટે તો પગ બન જાઉં, એટલે કે તીન અક્ષર કા મેરા નામ, અંત એટલે કે છેલ્લો અક્ષર કપાઈ જાય તો હું પગ બની જઉં છું, મારો છેલ્લો અક્ષર કપાઈ જાય તો હું પગ બની જઉં છું। ઓર મધ્ય કટે તો પડી રહું, એટલે કે વચ્ચેનો અક્ષર કપાઈ જાય તો હું પડી રહું। તો શું આવે? તીન અક્ષર કા મેરા નામ, એટલે કે ત્રણ અક્ષરનું મારું નામ છે, સિર ઉપર મેરા સ્થાન એટલે કે માથા ઉપર મારી જગ્યા છે, અંત કટે તો પગ બની જાઉં એટલે કે છેલ્લો અક્ષર કપાઈ જાય તો હું પગ બની જઉં છું, મધ્ય કટે તો પડી રહું એટલે કે વચ્ચેનો અક્ષર, મધ્ય યાની કે બીચ મેં, મધ્ય કા અર્થ ક્યા હોતા હે? બીચ મેં, એટલે કે વચ્ચેનો અક્ષર કપાઈ જાય તો હું પડી રહું છું। બોલો કોણ કોણ આવેગા ઇસમી? બોલ, સાફો, પગડી। પગડી શબ્દ સુનો પહેલે, ઇસમી ક્યા લિખા હૈ? તીન અક્ષર કા મેરા નામ, યાની કે પગડી તીન અક્ષર કા નામ હુઆ। उसके बाद है सिर के ऊपर मेरा स्थान, पगड़ी का स्थान कहाँ पे है? सिर पे, मस्तक पे। अंत कटे तो पग बन जाओ, अंत यानी कि पगड़ी लिखा है, डी निकाल दीजिए तो क्या होगा? पग, पग होगा
अंत कटे तो पग बन जाओ, लास्ट अक्षर निकाल दिया अंत का अक्षर तो क्या हुआ, पग बन गया। और क्या लिखा है, मध्य कटे तो पड़ी रहो, मध्य यानी प घड़ी ग बीच में से निकाल दे तो क्या बनेगा, पड़ी हो गया प ग डी, राइट। उसके बाद है यहाँ पे चौथा, क्या लिखा है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। यानी कि पहाड़ छे, पर्वत छे, पण पत्थर नथी, सांभळो बराबर, पहाड़ छे पण पत्थर नथी, नदी है पर जल नहीं, लगा नदी छे पण जल यानी कि पानी, नदी छे पण पानी नथी, शहर है पर जीव नहीं, એટલે કે શહેર છે પણ ત્યાં કોઈ જીવ નથી, શહેર છે પણ ત્યાં કોઈ જીવ નથી, જંગલ હે પર પેડ નહીં, જંગલ પણ છે પણ ત્યાં કોઈ વૃક્ષ નથી, જંગલ પણ છે પણ ત્યાં કોઈ વૃક્ષ નથી, તો એ કેવું અસંભવ છે, એવું હોય જંગલ હોય ને વૃક્ષ ના હોય એવું બને તો શું આવે આનામાં, પહાડ હે પણ પથ્થર નહીં, પહાડ બતાવ્યો છે પણ પથ્થર નથી, નદી હે પર જળ નહીં, એટલે કે નદી છે પણ એમાં પાણી નથી, શહેર હે પર જીવ નહીં, જંગલ હે પર પેડ નહીં, એટલે કે જંગલ છે પણ પેડ નથી, તો શું આવે, માનચિત્ર યાની કે નકશો, તમે જોયો છે નકશામાં આપણે શહેર દર્શાવી શકીએ, માણસો દર્શાવી શકીએ, માણસનો જીવ એમાં મૂકી શકીએ ના, આપણે નદી તેમાં દર્શાવી શકીએ કે આ શહેરમાંથી આ શહેરમાં, આ ગામમાંથી આ ગામમાં આ નદી જાય છે, આપણે નિશાન કરી અને લખીએ કે આ નદી આમાંથી આમાં જાય છે, એમાં પાણી આપણે ચિત્ર દોરીને બતાવી શકીએ કે આમાં પાણી જાય છે, પણ પાણી રિયલમાં પાણી મૂકી શકીએ ના, મૂકી શકીએ ને, નદી હે પર જળ નહીં, એટલે કે નદી છે બતાવી છે પણ એમાં પાણી નથી, તેવી જ રીતે જંગલ હે પર પેડ નહીં, એટલે કે જંગલ પણ બતાવ્યું છે આ શહેરમાં આ જંગલ છે પણ એમાં વૃક્ષ મૂકી શકાય, દોરી શકાય વૃક્ષ, પણ ઓરિજિનલ વૃક્ષ હોય એમાં હોય ના હોય તો શું આવે, ચિત્ર, આપણે ચિત્રમાં જ બતાવી શકીએ ને બધું। उसके बाद है પાંચવા है કાગજ કા ઘોડા, કાગજ કા ઘોડા, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। क्या आएगा, देखो कागज का घोड़ा એટલે કાગળ નો ઘોડો બનાવ્યો છે, શું છે, કાગળ નો ઘોડો, धागे की लगाम એટલે કે ઘોડાની જે લગામ હોય છે, ધાગો એટલે કે દોરો, દોરાની લગામ છે, છોડ દે ધાગા એટલે કે દોરો છોડી દે તો કરે સલામ, શું થાય, જતું રે, ધાગો છોડી દઈએ તો જતું રે, અભી ગયા હે ત્યોહાર, ક્યા આયેગા, બોલ મંથન, પતંગ, પતંગ, વેરી ગુડ, નાઇસ, કાગજ કા ઘોડા ધાગે કી લગામ છોડ દે ધાગા તો કરે સલામ, એટલે કે કાગળ નો ઘોડો છે તેની દોરાની લગામ છે, એ લગામ છોડી દઈએ તો શું થાય, પતંગ જતું રે, એટલે કે સલામ કરી દે, તો અહીંયા ચિત્રો આપ્યા છે, ચિત્રો જોઈને જ આપણે આમાં પહેલીઓમાં મૂકવાના હતા, તો પહેલું છે પતંગનું છે, પછી નકશાનું છે, પગડીનું છે, પેડનું છે અને જલેબીનું છે। અબ ઇસકે બાદ યહાં પે યે પહેલી પૂર્ણ હોતી હૈ, અબ હમ આગે દેખેંગે યહાં પે અભ્યાસ કે કુછ પ્રશ્ન દિયે હૈ, तो हाँ मैं आपको लिखवाती हूँ।
हैं। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? आप मेरे साथ लिखना, पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं। तो क्या आएगा, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी के लिए अत्यंत जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। जीने के लिए हमें अत्यंत प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। आप लोगों को पता है पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं और लकड़ी देते हैं। जीने के लिए जो हवा आती है, मतलब यानी कि ऑक्सीजन वायु, जो हमें प्राण वायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न, आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज पसंद है? दूसरा प्रश्न है, आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज पसंद है? आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज पसंद है? जलेबी, लड्डू, पेड़ा अच्छे लगते हैं ना? तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हमको खाने में जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी और
जलेबी, पेंडा, लड्डू, बर्फी आदि आदि चीजें पसंद हैं। हमें जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि चीजें पसंद हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनानी है। तो पतंग के नाम क्या क्या होते हैं? पतंग के नाम जैसे के ढाल, ढाल, दुग्गा, कहते हैं ना, क्या कहते हैं पतंग को? दुग्गा, चांदेदार, चांदेदार, आंखेदार, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदान और तुक्कल, है ना। तुक्कल कब आकाश में जगाई जाती है? उड़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे पतंग के अलग अलग नाम हैं, जिस तरह के ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि, ये सब क्या है? पतंग के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो स्वाध्याय में यहाँ पे समानार्थी विरोधी शब्द दिए हैं और इस शब्द के आधार पर वाक्य बनाने हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो स्वाध्याय है वो हम जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का जो अपना ये लेक्चर है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। जो मैंने लिखवाया वो विद्यार्थियों आपके नोटबुक में लिख लेना। नमस्ते।